एक आईएएस का सिलेक्शन होता है यूपीएससी में, इसमें बहुत गड़बड़ी लगती है। लोगों की मांग है कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, तो हम भी मांग करते हैं कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। इन्होंने तो अभी ये साफ हो रहा है कि उन्होंने गलत डॉक्यूमेंट देके आईएएस लिया है, तो उनका आईएएस पद छीन लिया जाए। देश में पिछले कुछ समय से पेपर लीक को लेकर बवाल जारी है। नीट परीक्षा पेपर में रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं और आमजन का भरोसा टूट रहा है। ऐसे में एक और खबर ने लोगों की नींद उड़ा दी है। मामला सिविल सेवा परीक्षा से जुड़ा है। देश के सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा में भी आप नियम को दरकिनार कर आईएएस अधिकारी बन सकते हैं, यानी कलेक्टर बन सकते हैं। हम बात कर रहे हैं आईएएस पूजा खेड़कर की। 2022 में यूपीएससी की परीक्षा दी और 2023 में पूजा आईएएस अधिकारी बन गई। महाराष्ट्र के पुणे में अपना प्रोबेशन पीरियड पूरा किया और ट्रांसफर होने के बाद वाशिम जिले में असिस्टेंट कलेक्टर बनकर पहुंच गई। लेकिन कहानी महज इतनी नहीं है। पूजा खेड़कर के साथ बहुत सारे विवाद खड़े हो गए। आरोप है कि पूजा खेड़कर ने पुणे में रहते हुए कई अधिकारियों को परेशान किया, अलग अलग तरह की डिमांड की। यही नहीं, उन्होंने अपनी प्राइवेट ऑडी कार पर लाल बत्ती का इस्तेमाल भी किया। मीडिया में अधिकारियों से बातचीत की, उनकी व्हाट्सएप चैट भी सामने आ गई है। विवाद उठे तो पूजा खेड़कर को लेकर कुछ और चौंकाने वाली बातें सामने आई। पूजा ने यूपीएससी की परीक्षा के दौरान 3 एफिडेविट जमा कराए थे। इनमें एक में उन्होंने खुद को मानसिक रूप से अक्षम बताया था, दूसरे में उन्होंने कहा कि उन्हें देखने में दिक्कत है, और तीसरा सेट एफिडेविट था ओबीसी नॉन क्रिमिलेयर का। अब खुलासा हुआ है कि अपनी ज्वाइनिंग के दौरान पूजा ने यूपीएससी की तरफ से कराए जाने वाले मेडिकल टेस्ट को नज़रअंदाज किया। उन्होंने 6 बार मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया गया उन्हें, जिनमें से केवल आखिरी एक टेस्ट में पूजा शामिल हुई। इसमें भी उन्होंने एमआरआई कराने से इनकार कर दिया। ऐसे में मेडिकल संबंधी जो एफिडेविट पूजा खेड़कर ने यूपीएससी को दिए, उन पर सवाल खड़े हो गए हैं। पहले बात तो ये स्पष्ट कर दूं कि मैंने आरटीआई नहीं डाला था। ये सारी इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में है। पूजा उनका जो बिहेवियर सामने आया, उसके बाद मैंने उनकी छानबीन की, जो पब्लिक डोमेन में डॉक्यूमेंट्स है उसके, और उसका मैंने मतलब निकाला, और उसमें से ये सामने आया कि या तो उनका क्रिमिनल सर्टिफिकेट गलत है, या तो उन्होंने जो जानकारी उनके पिताजी ने दी है एफिडेविट में वो गलत है। कुछ भी हो, यहाँ सारी इंक्वायरी होनी चाहिए। जो कुछ भी जिसने गलत किया उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अभी अभी सामने आया है कि उनकी खेती उनके पिताजी की और फैमिली की 110 एकड़ है। महाराष्ट्र में एग्रीकल्चर लैंड सीलिंग एक्ट है, उसमें साफ साफ लिखा है कि किसी के भी अगर कैसी भी जमीन हो, 54 एकड़ से ज्यादा कोई जमीन रख नहीं सकता। तो ये भी काम उन्होंने किया है। गवर्नमेंट को चाहिए कि इनकी इंक्वायरी करे, जो कुछ भी दोषी है उन पर कार्रवाई करे, और इन्होंने तो अभी ये साफ हो रहा है कि उन्होंने गलत डॉक्यूमेंट देके आईएएस लिया है, तो उनका आईएएस पद छीन लिया जाए। दूसरा विवाद उनके ओबीसी नॉन क्रिमिलेयर कैटेगरी के एफिडेविट को लेकर है। दरअसल कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आया है कि पूजा खेड़कर के पिता के पास 40 करोड़ की संपत्ति है। वहीं पूजा को भी 22 करोड़ की संपत्ति अचल संपत्ति का मालिकाना हक बताया गया है। यूपीएससी में जमा किए गए इन दस्तावेजों पर विवाद खड़ा होने के बाद अब केंद्र ने जाँच के लिए आदेश दे दिए हैं। पूजा के खिलाफ आरोपों पर एडिशनल सेक्रेटरी रैंक के अधिकारी जांच करेंगे। ऐसे में लोगों के मन में सवाल उठता है कि आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर का अब क्या होगा? क्या उन्हें बर्खास्त किया जाएगा या फिर उनकी नौकरी जारी रहेगी? नहीं, एजेंसियों में ही गड़बड़ है, सिलेक्शन में गड़बड़ हुई है। झूठे सर्टिफिकेट की जाँच होनी चाहिए थी। एक आईएएस का सिलेक्शन होता है यूपीएससी में, तो यह बहुत सारी जाँच बहुत एकदम कड़क होती है। ऐसे स्थिति में वो जो सर्टिफिकेट मेडिकल सर्टिफिकेट लिया है वो कैसे लिया है, वो गलत लिया है। इसी के आगे बढ़कर अगर उन्होंने क्रिमिनल का जो फायदा उठाया है वो भी गलत तरीके से उठाया है, जो कास्ट वैलिडिटी से लेकर, तो और ये सब हमने सोशल मीडिया में पढ़ा, और उसका जो बिहेवियर था वो निश्चित रूप से एक प्रश्न निर्माण करने वाला था। किसी की कैबिन में एब्सेंट में बैठना, कैबिन का कब्जा लेना, और लोगों के साथ में उसके फादर ऑफिस में जाते थे, जो आड़ी में घूमते थे वो क्रिमिनल के अट में कैसे आए, वो जो जिनके पास में 40 करोड़ की प्रॉपर्टी व्हाइट में उन्होंने बताया, उनकी प्रॉपर्टी दिखाया नॉमिनेशन के उनके फादर ने, वो क्रिमिनल के दायरे में कैसे आ सकते हैं। तो ये सब जो बातें, ये क्वेश्चन खड़ा करने वाली बात है,
इसमें बहुत गड़बड़ी लगती है। लोगों की मांग है कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, तो हम भी मांग करते हैं कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। आइए हम आपको डिटेल से बताते हैं। अब अगर पूजा खेड़कर की विभागीय जांच में दोषी पाई जाती है तो अगला कदम उन पर कानूनी कार्रवाई का होगा। विभागीय जांच के आधार पर पूजा के खिलाफ एक चार्जशीट बनाई जा सकती है जो चीफ सेक्रेटरी को सौंपी जाएगी। इसके बाद मामले में कानूनी कार्रवाई की तरफ कदम बढ़ाए जाएंगे। विभागीय जांच के आधार पर ही भारतीय न्याय संहिता के मुताबिक उनके खिलाफ धारा 318(4) और धारा 336(3) और धारा 340(2) के तहत FIR दर्ज की जाएगी। ये सभी धाराएं धोखाधड़ी, फर्जी डॉक्यूमेंट के जरिए जालसाजी और जाली डॉक्यूमेंट का वास्तविक तौर पर इस्तेमाल करने से जुड़ी है। इन धाराओं में साबित होने पर दोषी पाए जाने पर उन्हें आजीवन कारावास तक की सजा सुनाई जा सकती है। चूंकि एक IAS अधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रपति के जरिए की जाती है, इसलिए बर्खास्तगी करने से पहले राष्ट्रपति की मंजूरी भी अनिवार्य है। ऐसे में फाइल को राष्ट्रपति भवन में भेजा जाएगा। बर्खास्त की कार्रवाई के दौरान दोषी अधिकारी से वो सभी लाभ और सैलरी वापस लिए जाते हैं जो उन्हें पद पर रहते हुए मिले थे। फिलहाल केंद्र सरकार ने जांच के आदेश दे दिए। सोशल मीडिया में तमाम तरह की बात वायरल, वीडियो हो रहे हैं, फोटो हो रहे हैं, चैटिंग वायरल हो रही है और सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर देश की सबसे प्रतिष्ठित जो परीक्षा है UPSC, वहाँ पर कैसे ये फर्जी सर्टिफिकेट दे करके IAS अधिकारी बन गई। तो लोगों के मन में सवाल भी है और यहाँ पर UPSC की ओर से भी जवाब आना बाकी है।